मेरे दो सहयोगी गुंजन इस वक्त मथुरा में और श्रीकृष्ण जन्मभूमि में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां से, संजय शर्मा। संजय, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हमने दिखाई यहाँ पर, और जिस तरीके से आपने पूरे अच्छे तरीके से बखान किया जिस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे थे पूजा अर्चना करने के लिए, यकीनन बहुत खास है आज का दिन। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज भी मनाई जा रही है और कल भी मनाई जाएगी, तो दोनों दिन के अलग अलग विधान कैसे हैं? दोनों दिन के अलग विधान ये हैं कि आज सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि नहीं थी, लेकिन मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि व्यापनी है। अगर हम बात करें तो जितने ज्योतिषीय हजारों साल के पंचांग उलट कर देख लें तो श्री कृष्ण जन्म के समय मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहना है। लग्न इसमें वृषभ लग्न होता है और रोहिणी नक्षत्र होता है, चंद्रमा वृषभ लग्न में होता है, तो ये तीनों संजोग ऐसे होते हैं हर अष्टमी तिथि में, जन्माष्टमी में ये संजोग पाए जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं अद्भुत हैं, इसलिए उनके जन्म का समय भी अद्भुत है। अद्भुत इसलिए कि पूरे अगर 6 महीने इधर रखें उधर रखें तो ठीक बीच में भाद्रपद का महीना आता है। भाद्रपद के महीने में भी बीच में शुक्ल कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष के बीच में अष्टमी तिथि आती है, यानी चंद्रमा न पूरा होता है न बिल्कुल गायब होता है, चंद्रमा आधा होता है, लेकिन आधे में पूर्ण परम ब्रह्म कृष्ण का जन्म होता है, जन्म हुआ। और हम पिछले अगर पुराणों के पन्नों की बात करें तो पुराणों के पन्नों के मुताबिक तो 10 लाख साल पहले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन इतिहास के आधार पर बात करें तो ये कहते हैं कि 5252 साल कृष्ण को इस धरा धाम पर आए हुए हुए, क्योंकि उस समय जो ग्रहों का संयोग था उसकी गणना की गई और उससे वो देखा गया। लेकिन आज हम बात करें तो ब्रजमंडल एक तो मधुरता का बहुत बड़ा संयोग है, यहाँ हर तरफ बस खाली वाणी में मिठास नहीं है लेकिन बाकी चीजों में मिठास है। तो इसीलिए किसी संत कवि ने कहा है कि बर्फी सी ब्रजनारी भई और पेड़ा सी गोपी गुजिया से ग्वाला, नंद महीप भय नमकीन रसखीर सी रोहिणी रूप रसाला, जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने मटरी सी रात में लडवा सो लाला। तो ये लोगों ने बखान किया है। और कृष्ण का जन्म इसलिए महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि हर एक आदमी के हृदय में या मन में एक वृंदावन है और वहीं कृष्ण राधा यशोदा नंद वसुदेव देवकी और गोपिका ये सारे भाव ही हैं जो कृष्ण की लीला को आपके अंदर जागृत करते हैं। बिल्कुल संजय जी, जागृत करने का ये अवसर है जन्माष्टमी। बिल्कुल जागृत करने का ये अवसर जन्माष्टमी है। संजय जी लौटते हैं आपके पास, फिलहाल गुंजन का रुख करते हैं। गुंजन, देखिए श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां पर हमने सुबह से ही देखा किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं, किस तरह से राधे राधे की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। मुझे बताइए इस वक्त वहां पर क्या खास हो रहा है? बिल्कुल अदिति, इस वक्त में भागवत भवन के नीचे की तरफ जो जन्मभूमि प्रांगण है वहां पर मौजूद हूँ। कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो करीब 1 बजे से होगी। यहाँ पर मंच सजता है, कई तरीके के भजन गायक यहाँ पर आते हैं जो भजन गाते हैं और यहाँ तमाम श्रद्धालु झूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम करीब 1 बजे से शुरू होगा। एक बार सुबह हो चुका है तब हमने देखा गीत संगीत भजन में किस तरीके से जो भक्त है सराबोर नजर आए। अब बात की आपने रौनक की, रौनक और तैयारी तो ऐसी है मानो जैसे श्री कृष्ण एक बार फिर से जन्म लेने वाले हैं। वाकई बेड़ियां टूटेंगी, वासुदेव अपने छोटे से लल्ला को लेकर गोकुल जाएंगे और श्री कृष्ण का जन्म होगा। बिल्कुल वैसी ही तैयारी है, वैसी ही उत्साह है, बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशंस की गई है, चाहे भोग प्रसाद की बात हो या फिर सोम चंद्र का नाम रखा गया है भगवान की पोशाक का, जैसे करीब 10,000 मुस्लिम मजदूरों ने बनाकर तैयार किया है। बहुत लंबे वक्त से वो पोशाक बनने तैयार हो जाती है, उसके दर्शन भी आप लोगों ने किए। जो रिपोर्ट हमें संजय जी ने भेजी है उसमें आपने देखा होगा कितना भव्य श्रृंगार किया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ की रौनक की, यहाँ की आस्था की, तो वो यहाँ श्रद्धालुओं से बेहतर कोई नहीं बता सकता। हाथ में बांसुरी है, कहाँ से आए हुए हैं? आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार से आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है, जिस पूर्ण यहाँ पे जो माहौल हमें मिल रहा है, मतलब दिल से हमें बहुत खुशी हो रही है जन्माष्टमी अवसर पे यहाँ पे आके आगे तैयारी को देख के बहुत खुशी हो रही है हमें। तो हाथ में बांसुरी, सर पर पटका, राधे राधे की ये टी शर्ट क्या कह रही है? ये कह रही है कि हम दिल से जय कन्हैया को मानते हैं और हमेशा मानते ही रहे, और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे यहाँ पे आके हम बहुत खुश हैं, यही कहेंगे हम। जय श्री राधे। आप श्री राधे,
कासगंज एटा से हैं और आज व्रत भी हैं और हमारा बेटा भी व्रत है। इधर आप वैभव, ये भी दोनों लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? रात तक रुकेंगे ये बताएं। रात तक यहीं पर मनाएंगे, हम जन्माष्टमी व्रत रखे हैं और यहाँ पर ही रहेंगे, रात भर यहीं पर मनाएंगे। बिल्कुल।